चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे न पर करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटाशपात्र शपुटेश्यानम् बालं मुकुन्दं मनसास्तरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिवश्व मृत्मेता देव गोविंद दामो धर्मादवेति नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार भल बुद्धि विद्या दीहु मोहि हरे हो कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल जशो जोदायको फल चार नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ की ओर से प्रतिस्थापित राम कथा के इस पंचम दिवस में आप सभी उपस्थित भगवत कथा अनुरागी श्रोतागण एवं समस्त वरिष्ठ वैष्णव महानुभाव को हम श्री राम कथा के पांचवें दिन में स्वागत करते हैं। हमारा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम। तो गत सत्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान का दिव्य प्राकट्य हुआ। हरि रघुवंश लीन अवतारा, साक्षात हरि जो अपने भक्तों के दुख को हर लेते हैं, जो अपनी सुंदरता से भक्तों के मन को हर लेते हैं, जो अपने परम प्रभाव से अपने भक्तों के दुख को हर लेते हैं, ऐसे भगवान हरि रघुवंश में अवतार लिए। बहुत सुंदर कौशल्या महारानी भगवान को स्तुति कर रही है। भगवान प्रकट हुए हैं, किसी को पता नहीं कि भगवान प्रकट हो गए हैं। बाहर अनेक दासियां खड़ी थी, लेकिन उन दासियों को भी पता नहीं, क्योंकि भगवान एक छोटे बालक की तरह प्रकट नहीं हुए थे। भगवान विभू स्वरूप से प्रकट हुए थे। चतुर्भुज था, पीताम्बर था, मोर माथे पे मुकुट था, चारों हाथों में सुंदर सुंदर आयुध थे। ऐसे भगवान ने हरिवन रघुकुल में अवतार धारण किया। कौशल्या महारानी स्तुति कर रही है और हम उन स्तुतियों का अर्थ भाव समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ स्तुतियों का भाव आपने कल श्रवण किया, आइए आज वहां से ही हम आगे बढ़ाएं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर सोबासी, यह उपहासी सुनत धीर पति थीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे
कई कथा सुहाई माँ तू बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहि उभय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी हरषित महतारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुझ चारी अभय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यातकारी अभय प्रगट कृपाला कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करो अनंता कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत मना माया गुण ज्ञाना तीत मना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। इस प्रकार से अनेक पदों से माता कौशल्या भगवान को स्तुति कर रही है। कौशल्या जी कहते हैं, प्रभु आप साधारण बालक नहीं। पहले तो महिमा बताई कि प्रभु आपकी महिमा क्या है, आप भगवान हो। भगवान पूछते हैं, माते ये आपको कैसे पता चला कि मैं भगवान हूं बताओ। देवी कौशल्या बोलती है, प्रभु ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा पुराण कहता है। कौशल्या जी आगे कहते हैं, महिमा बताते हुए भगवान के विषय में बताते हुए कहते हैं, प्रभु आप साधारण बालक नहीं, आप जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, आपके रोम रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेदों में लिखा है कि आपके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और वो भगवान आज मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, ये बात जब संसार के लोगों को पता चलेगी तो मुझ पर हंसेंगे प्रभु, वो मुझ पर हंसेंगे। अतः कौशल्या जी कहते हैं, प्रभु मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करती हूं कि आप अपने इस रूप को छिपा लीजिए। कौशल्या जी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। उस भय को दूर करने के लिए भगवान ने कौशल्या जी को ज्ञान प्रदान किया कि बोले माते, तुम सच कह रही हो, मैं साक्षात भगवान हूं और इस अवतार में मैं आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ। क्योंकि पूर्व जन्म में आप मनु और शत्रुपा थे, आपने बहुत तपस्या किया, मैं प्रकट हुआ, मैंने आपसे पूछा आपको क्या चाहिए, आपने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। मैंने कहा तथास्तु, पुनः मैं वापस अपने धाम पे जाकर सोचा तो पता चला कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। उपनिषद कहती है एको एक अद्वितीय, भगवान जैसा इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है। और मैं वरदान से मजबूर था, मैं वरदान दे चुका था आपको, अतः माते मैं स्वयं खुद आपका पुत्र बनकर प्रकट हो गया। लेकिन अब कौशल्या कहती है, माता अपनी बोली सो मत डोली तजहुता ते अरूपा
हे तात, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में विनंती कर रही हूँ, आप इस विभू रूप को त्याग दीजिए। मैं इस रूप को कैसे संभालूंगी, कैसे छुपाऊंगी? और मैं तो प्रभु, मैं तो वात्सल्य भाव की उपासक हूं, मुझे तो आपके साथ प्रेम करना है, इस रूप के साथ मैं कैसे प्रेम करूंगी? आप अपना ये ऐश्वर्यमय रूप छिपा लीजिए प्रभु, और माधुर्य मंडित जिससे वात्सल्य भाव का रसास्वादन कर सको, ऐसा रूप प्रकट कीजिए। प्रभु मुझे तो आपको लालन पालन करना है, आपको भोजन कराना है, आपको स्नान कराना है। इस बड़े रूप को, विभू रूप को मैं कैसे गोद में ले सकती हूँ प्रभु? वास्तव में वो माँ धन्य है जो भगवान को अपनी पुत्र मानती है। और भक्तों, इस संसार में भगवान वास्तव में आते ही इसलिए हैं। क्या लगता है कि हम वो करोड़ों की मंदिर बना देते हैं तो भगवान उस यशो आराम में रहने के लिए आते हैं, या फिर हम वो 56 भोग लगाते हैं तो भगवान उसको खाने के लिए आते हैं? भगवान भूखे हैं अपने धाम में? कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद का मैसेज आया था, क्या कि भगवान हमारे खीर पूड़ी खाने के लिए नहीं आते, हमारे मंदिरों में रहने के लिए नहीं आते, हम उनसे प्रेम करते हैं इसलिए भगवान आते हैं, हम उन्हें अपना पुत्र समझते हैं, भाई समझते हैं, मित्र समझते हैं, इसलिए भगवान आते हैं। भगवान तो इसलिए प्रकट होते हैं कि संसार के लोग मुझसे प्रेम करें, मुझे अपना पुत्र समझे, मित्र समझे, अपना प्रियतम समझे। भगवान बहुत खुश होते हैं कब? जब हम भगवान का लालन पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। संतगण बड़े सुंदर कहते हैं, जमुना जल मां के सर घोरी, स्नान कराऊं श्यामला। जमुना जल मां के सर घोरी, स्नान कराओ श्यामला। हल के लाड़ लगाऊं श्यामला। यमुना जल मा केसर घोरी, स्नान कराऊं श्यामला। यमुना जल मा केसर ना जल मां केसर घोरी, स्नान कराऊं श्यामला। एक समय हमारे भारत में ऐसा था, जब रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त नारियां भगवान को अपना पुत्र समझती थी, उनका लालन पालन करती थी। कैसे? हल्के हाथों अंगो चोली, लाड़ लड़ाओ श्यामला। हल्के हाथों अंगो चोली, लाड़ लड़ाओ श्यामला। हल्के हाथों अंगो चोली, लड़ लड़ाऊं श्यामला। हल्के जमुना जल माँ केसर को, स्नान कराऊं श्यामला। जमुना जल माँ केसर को, स्नान कराऊं श्यामला। जमुना जल माँ केसर गोरी, स्नान कराऊं श्यामला। यमुना जल मां के सर हरी वो, स्नान कराओ श्यामला। बहुत सुंदर भाव होता था, हल्के हाथों से कहीं मेरे लाला को चोट ना आ जाए, इसलिए नरम हाथों से, हल्के हाथों से, बड़े प्रेम से उनको स्नान कराऊंगी।
यमुना की जल लूंगी केसर युक्त सुगंधित जल में, बहुत नरम हाथों से अपने लाला को अपने गोपाल को स्नान कराऊंगी, कहीं उसको जोड़ से रगड़ू तो चोट ना आ सके। भारतवर्ष में एक दिन ऐसा था, समस्त भक्तगण भगवान को समस्त मूर्ति नहीं समझते थे, भगवान के रूप को भगवान के विग्रह को अपना लाला अपना पुत्र समझते थे। वस्त्रो अंगो लुचिया पु पिलु पीताम्बर श्यामला, वस्त्रो अंगो लुचिया पु पिलु पीताम्बर श्यामला, तिल सुगंधि नाकिया पु बन कलिया तारा बाल मा, तिल सुगंधि नाकिया पु बन कलिया तारा बाल मा, जमुना जल मा केसर जमुना जल मा केसर गोरी सन कराओ श्यामला, यमुना जल मा केसर गोरी सन कराओ श्यामला। बहुत सुंदर भाव हुआ करता था, ये गुजराती बजती था इसलिए बहुत से लोग समझ भी नहीं पा रहे थे और गा भी नहीं पा रहे, लेकिन बहुत साधारण और बड़ा भावपूर्ण भजन है। लिखते क्या, यमुना जल में केसर को घोल के मैं अपनी लाला को स्नान कराऊंगी। देखिए क्या कितना सुंदर भाव है, अभी तो केसर हमें खाने के लिए नहीं मिलता है, स्नान कहाँ से कराएंगे। कुछ लोग तो भगवान को सर्फ लेते हैं और रगड़ देते हैं, तो बड़ा सुंदर भाव हुआ करता था। और कई कई लोग तो बहुत दिनों तक स्नान ही नहीं कराते हैं, ड्रेस वही पहने हुए भगवान, फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग अपने एसी में सोए हुए और भगवान को रख दिए गर्म में, अरे भगवान को गर्मी लगती है क्या, बड़ा दुख की बात है। लेकिन एक समय हुआ करता था जब समस्त माताएं भगवान के इस विग्रह को अपना लाला समझती थी, उसे यमुना जल में यमुना के जल में केसर डाल के सुगंधित जल से स्नान कराया करती थी। बहुत सुंदर बोल, मेरे लाला को स्नान कराऊंगी, उसे तेल लगाऊंगी, उसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाऊंगी, इतना सुंदर भाव हुआ करता था। आज तो गर्म ठंडी है तो भगवान को ठंडे पानी से नहला देते हैं, गर्म पानी होना चाहिए भगवान के लिए। जितना सुंदर आप भगवान को दे सकते हैं, जितना अच्छा भाव दे सकते हैं भगवान को आप। कौशल्या कह रही है, हे तात, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में विनंती कर रही हूं, आप इस रूप को त्याग दीजिए। प्रभु आप इतना बड़ा रूप लेकर प्रकट हुए, मैं कहां रखूंगी आपको। प्रभु मैंने तो मांगा था कि आप छोटे से बालक बनकर प्रकट हो जाइए। वो कहती है कि जे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। बेंजो सच कहूं श्रील प्रपाद की दृष्टि से रामायण को देखें तो चैतन्य चरितामृत दिख रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, माता यदि पुत्र भवे कारे न करे न ताड़न, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। आज एक माँ भगवान से कहती, प्रभु आप बालक बनकर प्रकट हो सकते, आप अपना ये ऐश्वर्यमय रूप छिपा लीजिए और माधुर्य मंडित जिसे वात्सल्य भय का रस आस्वादन कर सकूं ऐसा रूप प्रकट करिए। प्रभु मुझे तो आपका लालन पालन करना है, आपको भोजन कराना है, आपको स्नान कराना है, वात्सल्य भाव का स्वादन करना है। प्रभु आप एक बालक बन जाइए, प्रभु आप मुझ पर कृपा करें और इस ऐश्वर्य को त्याग दीजिए। तो भगवान मानो कहें, हरे कृष्णा 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 हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने कहा, माँ माँ मेरा तो यही रूप है, बालक कैसे बनूं? बालक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा माँ, जरा बताओ ना आप। भगवान पूछ रहे हैं कौशल्या से, ये बालक बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा माँ? कौशल्या ने कहा, पहले जो इतने बड़े हो रहे हो ना, ये आकाश को छू रहे हो, छत को छू रहे हो, चलो छोटे हो जाओ पहले, ये विभिन्न रूप को त्यागो और एक छोटे से रूप में आ जाओ, चलो छोटे हो जाओ, बच्चे हो जाओ। भगवान ने विभिन्न रूप त्याग दिया और एक छोटे एक दिन के बालक बन गए। बोले अब माँ, बोले ये चतुर्भुज है ना, चलो दो भुजा निकालो और दो भुजा में आ जाओ। भगवान ने चतुर्भुज त्याग दिया। बोले अब माँ, बोले ये जो आयुध धारण कर रखे हो ना, इसे छोड़ो, अभी जरूरत नहीं है इसकी। भगवान ने आयुध त्याग दिए। अब माँ, कौशल्या ने कहा, अब रोने लगो, क्योंकि बच्चा का जब जन्म होता है तो रोता है, चलो रोओ। लेकिन माँ, मेरे जीवन में ऐसा क्या दुख है जो मैं रोऊं? आदमी रोता तो तब है जब दुख पड़ते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्या दुख है माँ कि मैं रोऊं? माता कौशल्या ने बड़ा सुंदर कहा कि आपके जीवन में दुख नहीं है, लेकिन आप जानते नहीं कि आपके भक्त कितने दुखी हैं, क्योंकि आपके भक्त दुखी हैं, इसलिए भक्त के बदले आप रोओगे। उस दिन से लेकर आज तक जब जब एक भक्त के ऊपर भीड़ पड़ती है, भक्तों के जीवन में दुख आता है, तो सबसे अधिक रोना भगवान को आता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। माँ कौशल्या की वचन को सुनकर भगवान रोने लगे। अपने भक्त की इच्छा को जानकर तुरंत चतुर्भुज त्याग दिया, द्विभुज में आ गए, छोटे से बालक बनकर जोर से रोने लगे। अब होगा वास्तविक जन्म, क्योंकि जब बच्चा होता तो रोता है ना, नहीं रोते तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कौशल्या ने राम को हॉस्पिटल नहीं लेगा तो। छोटे से बालक बनकर रोने लगे। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु अब मुझे आप विस्मृति दे दीजिए, ताकि मैं आपको फिर कभी भगवान ना समझूं। और प्रभु जोर जोर से रोने लगे। बाहर आवाज गई, बाहर कुछ दासियां खड़ी थी, उन्होंने देखा कौशल्या के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। हर सिद्ध जहाँ धनी दासी आनंद मगन सुकल पुरवासी। और बाहर जितनी भी दासियां थी, सभी दासियां दौड़ते हुए कौशल्या जी के कक्ष में आई, और कौशल्या जी के कक्ष में आकर देखा तो एक अद्भुत बालक। सब लोग हर्षित हो गए और सभी दासियों में होड़ लगी, ये बात सबसे पहले मैं राजा दशरथ को बताऊंगी, मैं बताऊंगी। दौड़कर दासियां गई महाराज के पास, राजन राजन आपकी बड़ी रानी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जैसे ही राजा दशरथ को पता चला कि महाराज आपकी बड़ी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, तब तक दूसरी रानी दासी आई, महाराज महाराज कैकेयी के गर्भ से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है, तब तक तीसरी दासी, महाराज महाराज सुमित्रा ने दो दो बालक को जन्म दिया है। महाराज दशरथ तो मानो आज खुशी से पागल हो गए। जिस मार्ग पे महाराज कभी तेज गति से चले नहीं थे, आज उस मार्ग पे दौड़ने लगे महाराज दशरथ। ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, बाजे बजाओ, गायों का दान करो, परम प्रसन्न, आज मेरे घर पर बड़ी लंबी उम्र के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। ये सुनकर राजा दशरथ नाचने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे ही महाराज दशरथ ने अपने कानों से सुना कि चार चार पुत्र नाचने लगे, मानो ब्रह्मानंद आज मिल गया हो। मंत्री को बुलाया, बोले स्वस्ति वाचन कराओ, गायों का दान करो। परमानंद पुरी मन राजा,
का बोलाई बजावहु बाजा परमानंद पुरी मन राजा का बोलाई बजावहु राजा। महाराज दशरथ आज खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। महाराज दशरथ को आज बड़ा आनंद आने लगा। परम प्रसन्न और परम प्रसन्नचित होकर राजा दशरथ भगवान को स्मरण करने लगे। अवधवासियों को पता चला कि हमारे महाराज के घर पर सुंदर सुंदर चार चार बालकों का जन्म हुआ है। सारे अवधवासी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके सुंदर सुंदर भेंट लेकर आज अयोध्या में आए और आज अयोध्या में महाराज दशरथ के घर पर बहुत बड़ा उत्सव मच गया। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम। आज भगवान का वास्तविक जन्म हुआ है। महाराज उत्सव मना रहे हैं। आइए हम भी यहाँ पर खड़े होके पांच मिनट के लिए नाचते हुए अवधवासियों के साथ उत्सव मनाएं। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अवध में आनंद भयो जय हो रघुवर लाल के। अवध में आनंद भयो जय हो रघुवर लाल। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। 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 अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। 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 हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। हाथी दियो घोड़ा दियो जय हो राजा राम की। हाथी दियो अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री राम। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय अवध के दुलार बाबा अवध के दुलारे। अवध के दुलार बाबा अवध के दुलार बाबा अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय 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 श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय सीता राम तुम्हारी जय जय हो। सीता राम तुम्हारी जय जय हो। अवधेश तुम्हारी जय जय हो। अवधेश बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।
रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। अब हुआ वास्तविक जन्म। कल तो हम लोग उत्साह में आके जन्म उत्सव मना लिए थे। जन्म उत्सव तो आज हुआ ओरिजिनल, क्योंकि जब तक महाराज दशरथ को पता ना चले तब तक भगवान का जन्म नहीं माना जाता। राजा दशरथ परम प्रश्न है और आज अयोध्या में इतना आनंद छा गया, इतना आनंद छा गया कि सूर्य अस्त होना ही भूल गया। आज अयोध्या में इतना आनंद छा गया कि सूर्य अस्त नहीं हुआ, आज भूल गया कि आज मुझे डूबना भी है, क्योंकि सूर्य ने देखा कि सूर्य वंश में मेरे वंश में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। आज तो मैं यहां से नहीं हिलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कौतुक दे की पतंग भुलाना एक मास ती जात न जाना। 12 घंटे में जो सूर्य अस्त हो जाता है ना, वो सूर्य आज 1 महीने तक आकाश में रह गया और ये अवधवासी 1 महीने तक उत्सव मनाते रह गए, पता ही नहीं चला भाई कि 1 महीना पार हो गया है। आज तो मैं नहीं हिलूंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। और सब लोग अयोध्या में रहने वाले समस्त लोग सुख का आस्वादन कर रहे हैं। 1 महीना कैसे पता आज बीत गया पता ही नहीं चला किसी को। परम सुख परम आनंद, सब लोग प्रसन्न है। शिव जी पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती उस समय मैं भी गया था और मैंने एक चोरी की। भगवान भोलेनाथ क्या बोल रहे हैं, मैंने एक चोरी की। बोले स्वामी चोरी और आप? बोले हाँ। क्या कहते? और एक कहूं निज चोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भुसंड संग हम दो मनुज रूप जाने ही नहीं को। देवी मैं को कैलाश से और काक भुसंडी जी मानसरोवर से, हम दोनों प्रभु का दर्शन करने गए। हमने चोरी से मानव का रूप धारण कर लिया, मनुष्य बनकर जब राजा दशरथ के यहाँ गया, देवी कौशल्या को बोला कि हमें अपने लाला का दर्शन कराओ। अब तो मेरा मैं कितना भी रूप चेंज करूँ वेशभूषा तो यही रहेगा मंगल वाला। वो बोले कि मैं तुम्हें नहीं दर्शन कराऊंगी, तुम्हें दिखाऊंगी तो मेरे लाला को कहीं नज़र लग गया तो नहीं दिखाऊंगी। बड़े दुखी हुए।
तो देवी हमें दर्शन नहीं करने दिया, तो हम वहीं सरयू के तट पर जाकर बैठ गए। प्रभु का दर्शन करने का उपाय हम लोग सोचने लगे। तब हम दोनों ने एक बात सोची, मैं बना गुरु और वो बने चेला। हम दोनों गुरु चेला बन गए और भगवान के वीरों में दोनों दुखी थे ही। लेकिन भक्तों, भगवान का सिद्धांत है, भगवान का स्वभाव है कि भक्त भगवान की दर्शन की जितना लालसा होती है ना एक भक्त को, उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवान को भक्त की दर्शन की लालसा होती है। शिव जी और कागभूषणी जी चले गए, दर्शन नहीं करने दिया। ये देखकर प्रभु रोने लगे, रोना बंद ही नहीं करे। दिन भर रोते रहे, पूरा दूध पिलाया गया, खिलौना दिया गया, नहीं रोए। किसी ने कहा, सखी रानी जू, आपके पुत्र को किसी की नजर लग गई है। बोले तो कोई नजर उतारने वाला है, बुला कर लाओ। और ये दोनों सरयू के तट पर ये गुरु चेला बैठे थे, ये लोग गए। बोले आप लोग नजर उतारने जानते हो? बोले हाँ। कागभूषणी जी तो प्रचार करने लगे, बोले हमारे जो गुरु एक बार जिनका नजर उतार दे उसको फिर कभी नहीं चढ़ता है, बहुत महान है इनका नजर उतारने की कला, ले चलो इसे। बोले चलो चलो, हमारे घर पे कौशल्या के लाला को नजर लग गई है। आए, बोले नजर उतारने के लिए बालक को मेरे गोद में देना पड़ेगा। बालक को हाथ में लिया, शिव जी ने उस बालक को अपने हाथ में लिया। कागभूषणी जी ने इशारा किया, महाराज इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा, इनके चरण को अपने मस्तक पर टिका दो। कौशल्या जी पूछ रही है, ये क्या कर रहे हो? कागभूषणी जी बोल, गुरु जी ध्यान में है, भंग नहीं होना चाहिए ध्यान, नजर उतार रहे, बड़े गुण हैं उनके जटाओं में, खड़े हो जाओ उनके बाजू में, सब खड़े रहो। बिल्कुल मसल मसल कर भाई, एकदम मसल मसल कर भगवान के चरण कमलों को अपने मस्तक पर रखा, अपनी जटा में भगवान के चरण को स्पर्श कराया। सोच रहे हैं, मन ही मन यह सोच रहे हैं कि जिस भगवान की नाखून से, चरण के नाखून से स्पर्श हुई गंगा मेरे जटा में आई, तो मैं इतना विख्यात हो गया, आज साक्षात भगवान का चरण मेरे मस्तक पर आ गया, आज तो मैं धन्याति धन्य हो गया है। इस प्रकार देवी, मैं तो दर्शन करके वापिस चला आया, लेकिन कागभूषणी जी 5 साल तक वहीं रुक गए। तो इस प्रकार दिन बीतने लगे, नामकरण संस्कार का दिन करीब आया। राजा दशरथ जी के मन में इच्छा हुई, अब कब तक लाला लाला बेटा नंदन करके पुकारे, नाम होना चाहिए। बड़ी इच्छा होती है किसी भी माता पिता के कि हमारा बेटे का नामकरण हो। राजा दशरथ ने एक दिन वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी का स्वागत किया। वो कहे, महाराज आप हमारे पुत्र का नामकरण कैसे? वैसे तो देखा जाए भगवान के नामकरण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे भगवान का अवतार होता है वैसे भगवान के नाम का भी अवतार होता है। ऐसा नहीं भगवान का नाम वशिष्ठ जी ने राम रखा तब से राम रहे, ऐसा नहीं है। जब से भगवान है तब से भगवान का नाम राम है, ऐसा नहीं है वशिष्ठ जी ने रखा। जैसे नाम भगवान सनातन है, जैसे भगवान कृपालु है, वैसे भगवान का नाम सनातन है, परम कृपालु है। सत्य में यदि कहूं ना तो भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है। अब सोचो भगवान ने कितनों को तारा, राम आए कितने लोगों को तारा, बहुत कम लोगों को। कृष्ण आए कितने लोगों को तारा, जिनसे जिनसे वो मिले उनको। चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में कितने लोगों को तारा, बताओ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000। और उनकी नाम लेकर आए श्रील प्रभुपाद, कितने लोगों को तार दिया सोचो, करोड़ों लोग। करोड़ों लोग तो मैं आपको कम बोल रहा हूं, अरे पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सोचो है? और ये आए भी तो कहां, मात्र ये झारखंड बिहार यूपी बंगाल बत इतने में ही प्रचार कर सके। श्रील प्रभुपाद नाम लेकर आए, नाम की महिमा देखो आप, नाम का प्रचार किए, कितने लोगों को तार दिए,
ये है नाम की महिमा। जो कोई भी नाम सुनता है ना, बस भगवान को प्राप्त कर जाता है। बस लीला के अनुसार नाम प्रकट होता है और अप्रकट होता है। सर्वप्रथम राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को वशिष्ठ जी के हाथ में दिया और कहा, प्रभु सबसे पहले आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, ये बालक समस्त आनंद का निधान है। आपका बालक समस्त आनंद का सागर है। जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुखधाम राम असनाम, अखिल लोकदायक विश्राम। तीनों लोक में रहने वाले समस्त जीवों को आपका ये बालक आनंद प्रदान करेगा, इसलिए आज से आपके इस बालक का नाम मैं राम रख रहा हूं। श्री रामचंद्र भगवान की। राम का अर्थ होता है रमेति इति राम। जो अपने लीला से, अपने कृत्य से लोगों को आनंद प्रदान करे, उसे राम कहते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पूरे विश्व का भरण पोषण करने का सामर्थ्य होगा, अतः आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत रख रहा हूं। श्री भरत महाराज की। और आपके चौथे पुत्र का नाम, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। आपके इस चौथे पुत्र का स्मरण मात्र करने से समस्त शत्रु का विनाश हो जाएगा। आपके ये चौथा पुत्र शत्रुओं का विनाश करने हो वाला होगा, इसलिए चौथे पुत्र का नाम रख रहा हूं शत्रुघ्न। श्री शत्रुघ्न महाराज की। नाम हो गया कि कुछ छूट गया? छूटा गया कुछ? क्षमा कीजिए, लक्ष्मण जी छूट गए। इस सुमित्रा का परिवार जो है ना, बड़े महान है, हमेशा पीछे रहते हैं। आप देखो रामायण में, वनवास में, अरे सीता को क्या था, सीता तो वन में गई पति के साथ। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख होता है अपने पति से अलग हो जाना। 14-14 वर्षों तक अपने पति से अलग, एक कमरे में बैठकर रहना 14 वर्षों तक, सोचो। लेकिन फिर भी रामायण में कहीं उनका बहुत ज्यादा नाम नहीं आया। ये सुमित्रा का जो परिवार है ना, हमेशा पीछे रहता है। लक्ष्मण जी देखो, 14 वर्ष तक सोए नहीं, लेकिन फिर भी पीछे ही रहे। सुमित्रा देवी, सुमित्रा भी पीछे रहे। ये सुमित्रा का परिवार ही अद्भुत है। तीसरे पुत्र को हाथ में दिया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। आपका ये तीसरा पुत्र ब्रह्मांड का आधार है, पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर लेकर रखा है। और ये अनेकों लक्षणों से युक्त समस्त भक्ति के लक्षण होंगे आपके इस तीसरे पुत्र में, इसलिए मैं आपके तीसरे पुत्र का नाम रख रहा हूं श्री लक्ष्मण। श्री लक्ष्मण जी महाराज की। इस प्रकार चारों पुत्र का नाम किया गया। गोस्वामी जी रामायण में भी लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में करते हैं। बहुत सुंदर बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक दिन की बात, माता कौशल्या अपने पुत्र को अपने स्तन का दूध पान कराई और पालने पे सुला दी। अंदर गई, भगवान का विग्रह था, जैसे आपके पास किन्नी किन्नी माता जी के पास यहाँ विग्रह है, और नारायण का विग्रह था, तो उनको भोग अर्पण करने गए। भोग अर्पण करके पट बंद करी, बाहर आई, फिर लेने के लिए गई तो देखती है क्या, बाल राम वहां बैठ के भोजन कर रहे हैं। बाहर आई, बोली अभी तो मैं इसको सुला के आई, इधर कैसे आ गया। बाहर आई, देखती पल्ले में भी सोया हुआ है। अद्भुत दृश्य। फिर से पट खोली, देखता है यहां भी है। जो भोग कौशल्या जी ने विग्रह के लिए बनाया था, वो भोग उस थाली में रामचंद्र अपने मुख से ग्रहण कर रहे थे। कौशल्या जी तो चकित हो गए, बोले राम को तो मैं पालने में सुला कर आई हूं, यहां पर कैसे आ गया। कौशल्या तुरंत उस कक्ष में पालने में जाकर देखी तो राम सो के रहे। दौड़कर यहां आई तो राम भोजन कर रहे, वहां जाकर देखे तो सोए हुए हैं, यहां आकर देखे तो भोजन कर। कौशल्या को चक्कर आने लगे, बोले क्या हो रहा है।
उसमें रामायण का रखते हैं। कौशल्या को भगवान ने विश्व रूप पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इस प्रकार ने बहुत सुंदर भगवान ने ऐश्वर्य प्रतीत किया, परंतु ऐश्वर्य भाव की उपासक कौशल्या का इतना प्रगाढ़ प्रेम था उनके प्रति कि ऐश्वर्य भूल जाती थी। रोज रोज अनेक साधु संत आने लगे, कहते थे महाराज, कौशल्या कहती महाराज पहले तो हम भंडारा करते थे, भोज करते थे, आपको बुलाते भी थे तो बड़े कम लोग आते थे, आना नहीं चाहते थे। आज अभी ऐसा क्या हो गया कि बिना बुलाए आते हो और एकदम मतलब पलटन पे पलटन आए जा रहे हो, जट पे जट चले रहो, क्या बात है, जत्था पे जत्था आ रहा है। कहते हैं ऋषि मुनि, हे देवी, हम ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हुए अपनी जिंदगी बिता दिए, परंतु हमें सुख नहीं मिला, और जब आज हमने आपके लाला का दर्शन किया तो हमें पूरे जगत का सुख प्राप्त हो गया, जगत भूल गए। अब तो हमें बस ऐसा हो रहा है देवी कि एक पत्थर बनकर आपके महल में जड़ जाएं और आपके लाला का निरंतर दर्शन करते जाएं, हमें छोड़ने का ही मन नहीं करता। बहुत सुंदर लीला का निरूपण करते हुए कहते हैं कि एक समय राजा दशरथ कौशल्या जी के पास आए, भूख लगी थी, बोले हमें भूख लगी, भोजन दो। कौशल्या जी ने कहा जाओ, राम बाहर खेल रहा है, उसे बुला के लाओ, मैं भोजन बना रही हूँ। पति के कहने पर राजा दशरथ भगवान को बुलाने के लिए गए, भगवान राम बच्चों के साथ खेल रहे थे और दशरथ जी गए, राम चलो भोजन करने के लिए, चलो। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत ही तजी बाल समाजा, नहीं आवत नहीं आवत ही तजी बाल समाजा, भोजन करत बोले राजा, भोजन करत बोले राजा, नहीं आवत ही तजी बाल समाजा, नहीं आवत ही तजी बाल समाजा। राजा दशरथ ने बोला राम भोजन करने के लिए आओ, भगवान श्री रामचंद्र नहीं आए, नहीं आवत तजिबाल समाज, बोले हो ही नहीं सकता है, दशरथ जी बुलाए भगवान नहीं आए, इसके पीछे कुछ कारण है। संतों ने गुढ़ रहस्य करते हुए कहा, बड़ा सुंदर मत दिया, बड़ी सुंदर लीला है, सावधानी पूर्वक सुनिए, ध्यान से सुनिए। राजा दशरथ जी के बुलाने पर भगवान रामचंद्र क्यों नहीं आए, भोजन करत बोले जब राजा, राजा ने भगवान को जब भोजन करने के लिए बुलाया उस समय नहीं आवत ही तजी बाल समाजा, भगवान रामचंद्र नहीं आए, क्यों? पहला कारण, उस समय दशरथ जी पिता बनकर नहीं गए थे, राजा बनकर बुला रहे थे, थोड़े से राजा का भाव था और राजा जैसे अपनी प्रजा को बुलाते हैं वैसे बुला रहे थे। भगवान ने बताया कि संसार में यदि कोई व्यक्ति अपनी पद प्रतिष्ठा के अभिमान से मुझे बुलाएगा तो उनके पास जाने की बात तो दूर, मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। अपनी लीला करके देखा है, नहीं गए। भगवान को पुकारने के लिए अभिमान छोड़ना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जहाँ कथा होती है, यज्ञ होता है, वहाँ लिखा रहता है गेट पे,
अपने जूते और अपने पद यहीं पर छोड़ के जाओ, अंदर नॉट अलाउड। कारण दो, रब जब राजा दशरथ भगवान को बुला रहे थे तो प्रभु दौड़ रहे थे, प्रभु क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो राजा को चाहिए था कि उन्हें दौड़ कर पकड़े, परंतु ये अपने स्थान पर महाराज की तरह खड़े रहे और बुलाए। भगवान ने दिखाया कि मुझे पकड़ने के लिए प्रयास करना होगा। डेली हम दामोदर अष्टकम में पढ़ते उद्धृत्य गोपियां और गोपियां जो है भगवान को दौड़कर, उनसे तेज गति से दौड़कर भगवान को पकड़े, पकड़ना पड़ेगा भगवान को, खड़े रहेंगे भगवान नहीं आएंगे, पकड़ना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए। एक बार एक शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। बोले, भगवान की प्राप्ति के लिए तुम्हें उत्कंठा होनी चाहिए। बोले, उत्कंठा तो 10 साल से, इतनी साल से भक्ति कर रहा हूं, उत्कंठा तो है, क्या करूं। बोले, नहीं इतने से काम नहीं चलेगा। बोले, गुरु महाराज बताइए कैसे चलेगा। बोले, ठीक है कल हम लोग स्नान करने चलेंगे, अभी छोड़ बाद में बात करते हैं इस विषय पे। शिष्य गुरु स्नान करने के लिए नदी में गए, दोनों स्नान कर रहे थे, गुरु जी ने शिष्य का गला पकड़ लिया, गुरु जी ने शिष्य का गर्दन, ये पोर्शन होता ना, ये पकड़ लिया और पकड़ के, गुरु जी थोड़े हट्टे कट्टे थे, पकड़ के नदी में डाल दिया। नदी में डालने से वो जो शिष्य था उनका, वो छटपटाने लगा, अब बकाने लगा, भाई कोई भी पानी में डाल देगा कितने देर रह सकता है, पूरी तरह प्रयास करने लगा, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर डाल दिया। ओ, फिर लास्ट में उसे निकाला तो गुरु जी ने पूछा, वो तो पहले गुरु जी पे चिल्लाया, महाराज क्या कर रहे हो, मार दोगे क्या। बोले, जब मैं तुम्हें अंदर डाला उस समय तुम्हारी क्या उत्कंठा थी, कितनी उत्कंठा थी। बोले, महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मुझे आप बाहर नहीं निकाले तो मेरा प्राण छूट जाएगा। बोले, बस यही होना चाहिए उत्कंठा भगवान की प्राप्ति के लिए, कि यदि आज भगवान नहीं मिले तो मेरा प्राण छूट जाएगा। जिस दिन ऐसी भावना आ जाएगी भगवान प्राप्त हो जाएगी। तीसरा कारण, राजा दशरथ भक्ति से नहीं बुला रहे थे, राजा दशरथ में ज्ञान और वैराग्य था लेकिन भक्ति नहीं थी, अतः प्रभु बिना भक्ति के तो आएंगे नहीं। कारण चार, दशरथ जी के बुलाने में भगवान क्यों नहीं है, क्योंकि दशरथ जी को खुद भूख लगी थी और कौशल्या के कहने पर दशरथ जी भगवान को बुलाने गए थे, तो भाव ये था कि ये राम आएगा तो मुझे भोजन मिलेगा, खुद भोजन करने की इच्छा थी इसलिए राम को बुला रहे थे। भगवान ने दिखलाया, यदि लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए, भौतिक भोग के लिए मुझे बुलाएंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। इस भाव में भगवान नहीं मिलेंगे, इस भाव में भगवान सब कुछ आपको दे तो देंगे, गाड़ी बंगला मोटर सब दे देंगे लेकिन खुद नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार राजा दशरथ जी जब बुला रहे थे नहीं आए, परंतु कौशल्या जब बुलाने के लिए गई, जब महाराज दशरथ आए, बोले कौशल्या तुम मुझे खाना दे दो, वो नहीं आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा बार बार बुलाने के लिए। कौशल्या जी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। कौशल्या जब बोलना जाए, कौशल्या जब बोलना जाए, ठुमका प्रभु चल ही पराई, ठुमका प्रभु चल ही पराई, कौशल्या जब बोल न जाए, कौशल्या जब का प्रभु चल ही पराए, तुमका प्रभु चल ही पराए।
कौशल्या जब भगवान को बुलाने गई, तुरंत भगवान ठुमक ठुमक करते हुए दौड़ते हुए कौशल्या जी के पास आ गए। कारण कारण कौशल्या भक्ति है, और यदि भक्ति से यदि हम भगवान को बुलाएंगे भगवान तुरंत आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति से भगवान को बुलाया मीराबाई ने, नरसिंह मेहता ने, भक्ति से बुलाया ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज, जिन जिन लोगों ने भगवान को भक्ति से बुलाया भगवान प्रकट हो गए। भगवान दिखाया अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे बुलाओगे, नहीं आऊंगा मैं। निजेंद्रिय प्रतिवाचा, हमारी इंद्रियों को सुख करने के लिए भगवान की भक्ति करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। कृष्णेंद्रिय प्रतिवाचा, कृष्ण के लिए, कृष्ण को सुखी करने के लिए कार्य करेंगे तो भगवान तुरंत ठुमक ठुमक कर हमारे पास आ जाएंगे, हमको दर्शन देंगे, सुख की बात। भगवान ने आचरण से दिखाया। ऐसा नहीं था कि कौशल्या रोटी बेल रही थी, बेलन लेके गई, भगवान बेलन के डर से दौड़ते हुए आए, ऐसा नहीं था। भक्ति, कौशल्या भक्ति स्वरूप है। आगे भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ, भगवान धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, मनुष्य की भांति मनुष्य लीला कर रहे हैं, भगवान तो मनुष्य की भांति आयु लंबाई से बढ़ रही है, और अब भगवान का अज्ञोपत पवित्र संस्कार हो गया। अज्ञोपवित संस्कार होने के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सबाई। यद्यपि राजा के घर पर जन्म हुआ है फिर भी विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु जी के घर पर गुरुकुल जा रहे हैं। ये है आर्यव्रत की मर्यादा। राजा का पुत्र है, धन की कोई कमी नहीं है, चाहे तो हजारों गुरु को घर पे बुला सकते हैं, लेकिन परंतु एक चीज की मर्यादा दिखाते हुए भगवान चलकर गुरु के पास गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सबाई। गुरु के घर में गए भगवान श्री रामचंद्र वेद, जिसे नेति नेति कहकर बुलाते हैं, जिनके सांस से वेद प्रकट होते हैं, विज्ञान प्रकट होते हैं, आज ऐसे भगवान गुरुकुल को जा रहे हैं। रामायणकार से राह नहीं गया और ऐलान कर दिया, बोले भगवान श्री रामचंद्र जो भगवद गीता में कुरुक्षेत्र में ऐलान करते हुए कहते हैं, अर्जुन इस जगत में रहने वाले समस्त जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के विषय में मैं जानता हूं। वेदां समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन। हे अर्जुन, एक नहीं संसार में जितने भी जीव हैं सबके विषय में मैं जानता हूं। और ऐसे भगवान आज ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। जा की सहस सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी है। जिस भगवान के श्वास से सांस से वेद प्रकट होते हैं, आज गुरुकुल में विद्या वेद ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कौतुक है। भगवान गुरुकुल में पढ़ने जाए तो बहुत बड़ा कौतुक है। जिस भगवान के वाहन से जब गरुड़ जी महाराज अपना पंख फैलाते हैं, चलाते हैं, तो उनके पंख से सामवेद की ध्वनि निकलते और वो भगवान आज गुरुकुल जा रहे हैं। सोचिए, बड़ा आश्चर्य। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भगवान ये बताना चाहते थे कि जगत में यदि किसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करनी है, या भगवान को प्राप्त करनी है, तो उसे गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान ने सिद्धांत बता दिया कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, गुरु चाहिए। तो भगवान गुरु गृह गए और बहुत कम समय में भगवान राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत जी ज्ञान प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके सुख से अयोध्या वापस लौटे। बहुत सुंदर, अयोध्या में सभी लोग सुखी हैं, सुख के दिन चल रहे हैं, बहुत सुंदर भगवान लीला कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माँ बोले चावल चाय लाओ मेरे माता। ऐसा बोलते हैं क्या भगवान? प्रातः काल उठिके रघुनाथा, बोले चाय लाओ मेरी माता। कितने लोग चाय पीने वाले हैं? हाथ उठाइए चाय पीने वाले, प्लीज। मैं जानता हूँ 90% होगा, हाथ उठाओ, शर्माने वाली बात नहीं है। देखो सच्चाई छिप, मतलब देखिए जो हम पाप कर रहे हैं ना, छिपाएंगे तो गड़बड़ होगा। हाथ उठा के बोलो हाँ मैं पी रहा हूँ। 90% उठा तो दो चार जन रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। देखिए भगवान क्या करते हैं, आज का क्या नियम है, प्रातः काल उठ के चाय।
अब भगवान उस समय क्या नियम था, हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे शास्त्र में, हमारे ऋषि मुनि कभी चाय नहीं पीते थे। आपने कभी सुना ये अंग्रेज आए चाय की बी डाल दी और हमें गुलाम बना लिए अपना है। प्रातः काल उठके रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु नवा वही माता। भगवान प्रातः उठ करके अपने गुरु माता पिता के चरणों में दंडवत करते थे, अपने माथा को नवाते थे। बोलेंगे प्रभु जी हम भी तो अपना माथा नवाते हैं चाय पीने के लिए, ऐसे ऐसे करके चाय के सामने, भगवान के सामने, गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने दंडवत करते थे। बड़े सुख के दिन चल रहे हैं। एक दिन की घटना का वर्णन करते हुए रामायणकार कहते हैं, विश्वामित्र के नाम के ऋषि अनेक ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में अनेक असुर ताड़ का सुबाहु आदि बाधा दे रहे थे। अरे और अनेकों बार प्रयास करने पर भी वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। तब विश्वामित्र जी विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं। ये विश्वामित्र जी भगवान के बड़े भक्त हैं। जब विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा आने लगा, प्रश्न उठाया शास्त्रों में कि असुर किसे कहते हैं। बोले संसार में दो प्रकार के लोग कहते हैं, कौन? बोले विष्णु भक्ता सुरा प्रोक्ता, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं उसे देवता कहते हैं, और आसुर एतद् विप्रियर्य, और भगवान विष्णु की भक्ति से जो विपरीत कार्य करते हैं उसे असुर कहते हैं। आजकल कुछ माता पिता अपने बच्चों को भक्ति करने से रोकते हैं। याद रखिए माता पिता का प्रथम कर्तव्य है अपने बच्चों को भक्ति कराना। यदि आप अपने बच्चों को भक्ति नहीं करा सकते, श्रील प्रभुपाद कहते हैं आप माँ बाप बनो ही मत, उस बच्चे को जन्म ही नहीं दो। यदि आप उस बच्चे को कृष्ण की प्राप्ति करा नहीं सकते तो, अरे इंजीनियर और डॉक्टर बनना ये जो है ना हमारा पराकाष्ठा नहीं है, गोल नहीं है, ये तो जस्ट जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे आना है, मान लीजिए स्टेज पे आना है तो वहां पे एक चेयर लगाते हैं प्रभु जी कुर्सी के लिए। अब बोलेंगे मुझे वहां से चलकर उस कुर्सी को प्राप्त करना, बस यही मेरा मंजिल है, नहीं आपको यहां आना है। अरे यदि आप यहां आओगे तो कुर्सी खुद ब खुद मिलेगी है? वैसे ये इंजीनियर और डॉक्टर बनना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि भगवान तक आप गए, ये इंजीनियर डॉक्टर जो भी है प्रोफेसर सब बन जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और ये बनते क्यों? थोड़ी कोई समाज सेवा करता भाई, पैसे के लिए बनते हैं, पैसे तो देते ही हैं भगवान, उसके लिए टेंशन ही मत लो। तो भगवान की भक्ति यदि नहीं करा सके, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे माता पिता को माता पिता बनना ही नहीं चाहिए। और अब विश्वामित्र ने सोचा कि भगवान के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, क्या किया जाए क्या किया जाए। उन्हें पता चल गया कि साक्षात भगवान का अवतार हो चुका है, अयोध्या में दशरथ के पुत्र बनकर साक्षात भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो तुरंत विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे हैं। विश्वामित्र आए हैं ये सुनकर राजा दशरथ परम प्रसन्न हुए, स्वागत किए, स्तुति किए। बहुत सुंदर स्वागत किए, विश्वामित्र आए सुनकर राजा दशरथ परम प्रसन्न हो गए। और हमारे इधर कोई वो साधु आ जाए तो कहां से आ गया पता नहीं, 10 रुपए भी देना पड़ेगा इसको, है ना? यही हमारे मन में आता है, 10 रुपए तो देना पड़ेगा, अभी किधर से आ गया 10। परंतु राजा दशरथ ऐसे नहीं थे, परम प्रसन्न हो गए, बहुत सुंदर यथाउचित स्वागत किया, बहुत सुंदर पूजा की, चरण पखारे, बहुत सुंदर स्तुति, विहार माला पहनाई, भोजन कराया गया। और भोजन करने के बाद राजा दशरथ ने पूछा, महाराज अब बताइए आपका अयोध्या में क्यों आना हुआ? तब विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सताव ही मोहे में जाचन आयो हूँ नृप, तो ही हे नृप हे राजन मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में अनेक असुर ताड़का सुबाहु आदि बाधा दे रहे थे और अनेकों बार प्रयास करने पर भी वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। बोले हे राजन, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, ये असुरगण मुझे बहुत सता रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, उन्हें मारने के लिए आपने कोई उपाय सोचा है? जब इस प्रकार राजा ने पूछा तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ राजन कि तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ उनको लेकर जाऊँ और उन असुरों का वध कराऊँ। मैं यहाँ पर आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही जैसे बारिश की मौसम में बादल में बिजली चमकती है, वैसे राजा दशरथ के हृदय में बिजली चमक गई। और जैसे बिजली गिरने से बड़ा बड़ा वटवृक्ष धरती पर गिर जाता है, वैसे ही विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर महाराज दशरथ गिर गए और दुखी होकर कहते हैं, चौथे पन पायौ सुत चारी विप्रवचन नहीं कहे हूँ बिचारी। चौथे पन पायौ सुत चारी विप्रवचन नहीं कहे हूँ बिचारी। हे ब्राह्मण देवता, आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा विचार करके तो बोलो। चौथे पन, जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, लंबा समय के बीतने के बाद इस उम्र के पश्चात मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और आप मेरे पुत्र को लेकर जाना चाहते हो। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, हे ब्राह्मण देवता, मेरे चारों पुत्र मुझे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। मेरे चारों पुत्र प्राण हैं और उनमें भी राम, राम के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। आप कहो तो मैं आपको हजारों गायों का दान कर दूं, आप कहो तो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलूं। ब्राह्मण देवता, आप कहो तो मैं दशरथ आपके साथ चलूं, परंतु आप मेरे पुत्र को मत लेकर रहे। राजा दशरथ की आंख से आंसू आ गए। बोले आप राम को लेकर मत जाइए, जैसे पानी को छोड़कर मछली मर जाती है, अपने प्राण को त्याग देती है, वैसे राम के छोड़कर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, आप मेरे पुत्र को लेकर मत जाइए। वशिष्ठ जी वहीं बैठे थे, परिस्थिति को देखकर समझाया, राजन पुत्र में इतना मोह मत करो, याद करो वो दिन, ये पुत्र तुम्हें यज्ञ की प्राप्ति, यज्ञ की कृपा से प्राप्त हुआ है और यज्ञ की रक्षा करना ये तुम्हारे पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र का प्रथम धर्म है। और जिस ब्राह्मण की कृपा से आपको पुत्र मिले हैं, वो ब्राह्मण आपके पुत्र को लेकर जाना चाहते हैं, तो आप उनको रोकना नहीं चाहिए। जैसे ही वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, गुरु जी ने कह दिया, राजा दशरथ एक शब्द भी नहीं बोले। बहुत सुंदर सिद्धांत किया जीवन में कि प्राण से भी प्रिय वस्तु हो, परंतु गुरु यदि कह दे तो शिष्य को एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। अतः राजा ने अपने पुत्र को विश्वामित्र के चरणों में सौंप दिया। भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, पिताजी को प्रणाम करके माँ के पास गए, माँ हम जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। कौशल्या को दुखी होना चाहिए था, कौशल्या परम प्रसन्न। उन्हें पहले किसी ने कहा था कि जब कोई साधु आपके पुत्र को लेके जाए, दो पुत्र को लेके जाए, तो उन्हें जाने देना, क्योंकि वो जाएंगे दो और आएंगे चार, आपके पुत्र का विवाह होगा। कौशल्या परम प्रसन्न विवाह की तैयारी में जुट गई, धीरे धीरे चुपके चुपके इनका विवाह जल्दी हो जाए आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण निकले हैं, जा रहे हैं वन के मार्ग से, परंतु आज भगवान श्री रामचंद्र के नेत्र बड़े चंचल हो रहे हैं। यदि कोई हिरण वहाँ से गुजरता है तो भगवान उनके पीछे भागते हैं, कोई खरगोश गुजरता है भगवान उनके पीछे भाग रहे हैं। विश्वामित्र जग है, वापिस आओ, किधर जा रहे हो? मृग के पीछे दौड़ रहे, खरगोश के पीछे दौड़ रहे हैं भगवान। इतना चंचल ये भगवान हो सकता है? विश्वामित्र के मन में ऐसा ख्याल आया। तब रास्ते में ताड़का नामक राक्षसी मिली। विश्वामित्र ने कहा, राम लक्ष्मण ये ताड़का है, इसका वध करो। तुरंत भगवान ने अपना धनुष उठाया और अपने वाण से तुरंत ताड़का को वध कर दिया।
भगवान श्री रामचंद्र ने पृथ्वी का भार दूर करने के क्रम में सबसे पहले ओपनिंग ताड़का नामक राक्षसी से की, और वहां कृष्ण लीला में किसको मारा सबसे पहले? ओपनिंग कहां से हुआ? पूतना स्त्री से। क्यों? बहुत सुंदर सिद्धांत दिया कि असुरों को पैदा करने वाली सबसे पहले जननी को मारो। राक्षसों की उत्पत्ति राक्षसियों से होती है, इसलिए भगवान ने सोचा इस संसार में असुरों का जन्म देने वाली राक्षसी है, पहले इनका वध होना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण विश्वामित्र पहुंच गए। दूसरे दिन सुबह जागे, कहे महाराज अब यज्ञ प्रारंभ कीजिए और निश्चित होकर करिए, हम यहाँ रहेंगे, असुर आएंगे तो उनका वध कर देंगे। विश्वामित्र आदि ऋषि मुनियों ने यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मरीच नाम का असुर आया। जैसे ही मरीच आया, भगवान श्री रामचंद्र ने बिना फर का वान चढ़ाया और बिना फर का वान केवल हाथ से ही उठाकर मारा। वह मरीच 400 योजन दूर जाकर गया। गिरा तो गिरा, एहसास हो गया कि मरीच ने सोचा आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा भाई, क्योंकि बिना फर का बार मारा, अब बिना चढ़ाए मारा तो मैं 400 योजन गिरा। आदि फर वाला होता और धनुष पर चढ़ाकर होता तो मुझे लगता मैं तो अंतरिक्ष को भेद कर पार हो जाता। भगवान ने सोचा ये मरीच आगे चलकर लीला में मदद करेगा, अतः उसका वध नहीं किया। सुबाहु आया, सुबाहु को पावक नामक अस्त्र से वध किया। अनेक असुर आए, भगवान ने अपनी माया से अनेक वस्त्रों का वध किया। वैसे तो कथा बहुत अद्भुत है, जब ये अनेक असुर आए श्री राम चंद्र को देखकर खड़े हो गए। उनके जो लीडर थे उन्होंने कहा यार रुक जाओ, इस लड़के को मारो मत। तब सबने पूछा हम इन्हें मारने के लिए नहीं आए। बोले यार इतना सुंदर दिखता है, इसे कैसे मारेंगे, एक काम करते हैं इसे पकड़ लो, इसे पकड़ कर हम लंका लेकर चलेंगे और रोज इसको देखेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे, इतना सुंदर है। भगवान का रूप देखकर असुर असुरत्व भूल जाते हैं, यहाँ जो काम से आए थे वो भूल गए, मोहित हो गए। इस प्रकार विश्वामित्र जी के पास संदेश आया, यज्ञ समाप्त हुआ और दूसरे दिन सवेरे संदेश आया कि जनकपुर में भी एक यज्ञ होने वाला है, धनुष यज्ञ। दूसरे दिन विश्वामित्र ने कहा राम आपने मेरे यज्ञ की रक्षा कर दी, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अयोध्या वापस चले जाओ या फिर यदि इच्छा हो तुम चलो मेरे साथ जनकपुर, वहाँ पर भी एक यज्ञ हो रहा है, मेरे साथ जनक जी की यज्ञ को पूर्ण करो। भगवान ने कहा अभी आपकी इच्छा है तो चलते हैं। यज्ञ सफल करने निकले तो सारे यज्ञ को ही सफल करते हैं, क्या बार बार आना, चलें भगवान के साथ। रामायणकार लिखते हैं धनुष यज्ञ सुन के रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष युग के बारे में जब भगवान ने सुना हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षित होकर महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान रामचंद्र चलने लगे वन के मार्ग से, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे जंगल के रास्तों से जनक घोर वन है, और उस वो घोर वन में भगवान ने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। बहुत सुंदर एक आश्रम था, परंतु देखा उस आश्रम में कोई नहीं रहता है। भगवान ने विश्वामित्र जी से पूछा महाराज ये घोर वन, ये बच्चे लोग कुछ ज्यादा ही चिड़िया बन रहे हैं, हमारे कुछ वॉलंटियर्स उनके पास जाएं। राम श्याम प्रभु वहां बैठे हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। धर्मेंद्र प्रभु इन बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत एक सुंदर आश्रम था, परंतु देखा उस आश्रम में कोई नहीं है। विश्वामित्र जी से पूछा महाराज इस घोर वन में ये आश्रम किसने बनाया, इतना सुंदर आश्रम, इतना सुंदर आश्रम बनाकर यहाँ कोई रहता क्यों नहीं। और भगवान की दृष्टि उस आश्रम के प्रांगण में पड़ी हुई एक मूर्ति के ऊपर गई। भगवान ने पूछा प्रभु ये सब क्या है, ये पत्थर, ये आश्रम,
जब भगवान ने विश्वामित्र से पूछा कि ये सब क्या है, विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। हे राघव, हे राम, गौतम नारी श्राप बस, गौतम ऋषि की पत्नी पाप के कारण नहीं, श्राप बन के कारण यहां पत्थर बनकर बैठी है। एक दिन ये गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था और यहां पर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। ये अहिल्या का कोई दोस्त नहीं, दोस्त तो देवराज इंद्र का था। एक समय की बात, इंद्र की दृष्टि बिगड़ी और अहिल्या के प्रति मन में अवैध विचार आया। गौतम ऋषि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। पहले के जमाने में अलार्म नहीं हुआ करता था, ये अलार्म जो हमारे फोन में है, क्लॉक नहीं हुआ करता। मुर्गे बोलते थे और सब लोग जग जाते थे, लेकिन जब से हमने मुर्गे को काटना शुरू कर दिया, मुर्गे ने बोलना छोड़ दिया। तो उस समय मुर्गे की आवाज सुनकर डेली गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले जाते थे। एक दिन रात को 2 बजे गौतम ऋषि सोए हुए थे। उस समय रात को 2 बजे इंद्र मुर्गे का रूप लेकर आया और मुर्गे की आवाज करने लगा। गौतम ऋषि को लगा ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, वो घर से बाहर निकले, नदी में स्नान करने चले गए और इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर अहिल्या के घर पर आ गया और अहिल्या का संग किया। इधर गौतम ऋषि ने देखा ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं है, वापिस आए तो देखा मेरे घर से मेरा ही स्वरूप लेकर कोई निकल रहा है। गौतम ऋषि दौड़ कर आए, अपने पत्नी से पूछा, सच सच बताओ यहाँ क्या हुआ है। अहिल्या बिचारी तो कुछ समझ ही नहीं पाई, अब आकर रह गई, अदी ये मेरे पति है तो वो कौन थे, कुछ नहीं बोल पाई। बार बार गौतम ऋषि पूछते रहे, बताओ क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ, पत्थर की तड़क खड़ी रही, कुछ नहीं बोले तो क्या बोले। तो गौतम ऋषि को क्रोध आया और कह दिया, तुम पत्थर की तरह खड़ी हो, कुछ बोल नहीं रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर की हो जाओ। अहिल्या पत्थर बन गई अपने पति के श्राप के कारण। परंतु हे राम, हे रघुवीर, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या कई वर्षों से यहां पर पत्थर बनकर बैठी है केवल तुम्हारे लिए। वास्तव में अहिल्या से पाप हुई थी, जाने अनजाने पाप हुई थी, परंतु पाप करने के बाद अहिल्या अपने पाप को छिपा नहीं रही थी, जैसे अभी आप चाय पी के छिपा रहे थे, हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे। अहिल्या अपने पाप को छिपा नहीं रही थी, बिल्कुल मार्ग पर बैठी थी। चाहती तो अपने घर पर कोने पर जा सकती थी। किसी ने कहा, अहिल्या मार्ग में बैठी हो, अनेकों लोग इस मार्ग से निकलेंगे, अनेकों लोगों का ठोकर लगेगा तुम्हें। तब अहिल्या ने इतना ही कहा, संसार के लोगों का ठोकर खाते 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 एक ना एक दिन भगवान के चरणों की ठोकर लगेगी, और जिस दिन भगवान के चरणों की ठोकर लग गई उस दिन मेरा उद्धार हो जाएगा। बहुत सुंदर अहिल्या ने बताया, भूल करना ये हमारा स्वभाव है, बड़े बड़े देवताओं से भी भूल होती है। 33 कड़ी देवी देवता राजा इंद्र, अब भागवत में देखिए सबसे ज्यादा गलती इंद्र से, यदि हम पश्चाताप कर लेते हैं तो उस पाप की सजा नरक में करोड़ों और करोड़ों वर्ष तक भुगतनी नहीं पड़ेगी। अतः जितने भी पाप किए हैं उसका पश्चाताप करो, हृदय में पाप को मत रखो, गुरु के सामने इजहार करो, बता दो मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया। और इस संसार में जिन जिन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकारा, अपने पाप का इजहार किया, वे निश्चित इन सभी पापों से मुक्त हो गए। कल का इतिहास, गुजरात के कच्छ में रहने वाला परम पराक्रमी अद्भुत वीर जिसका नाम था जैसल जडेजा, जिसने कच्छ को छिन्न भिन्न किया था, एक ऐसा भी पाप नहीं था जिसने उसने नहीं किया था जैसल ने, सभी पाप। एक दिन की बात, नदी से जा रहा था, परम संत साध्वी तोरल उनके साथ बैठी थी, नदी में बाढ़ आई और दुर्भाग्य गया था कि जैसल जडेजा को तैरने नहीं आता था, नौका डगमगाने लगा, उस बाढ़ के कारण वह मृत्यु से डरने लगा। दोनों हाथ जोड़कर जैसल परम साध्वी के चरण में गिर गया।
एक से एक पराक्रम किए थे, परंतु मौत का डर लग रहा है आज। आज मुझे मृत्यु का डर लग रहा है। हे तौरल, आप मुझे बचा लो, क्योंकि आज मैं मर जाऊंगा और मृत्यु के बाद क्या होगा क्या पता। तब तौरल ने उसे कहा, इस नाव में इस समय बहुत वजन है और वजन के कारण यह नाव डगमगाने लगी है। जडेजा, नाव का वजन कम करो। नाव का अर्थ है भक्तों हमारा शरीर। जब तक हमारे शरीर में पाप रहेगा, माता जी सोना नहीं है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सोना नहीं है, सोना मना है। तो नौका का मतलब है हमारा ये बॉडी शरीर, और वजन का मतलब है ये पाप। यदि हम अपने जीवन से अपने शरीर से पाप निकाल देंगे, इजहार करेंगे अपने गुरु के पास, तो ये नौका डगमगाएगी नहीं। जैसे ही तौरल ने कहा, अपने पाप का इजहार करो, हृदय में जितने भी पाप थे सबको बाहर निकालो, इतना कहते ही वाणी से इजहार करने लगा। बोले, हे तौरल, इस संसार में रहकर मैंने बहुत पाप किए हैं। गिनाने लगा, मैंने सरोवरों को तोड़ा, मैंने वन में रहने वाले मोरों को मारा, मैंने स्त्रियों की बारात को लूटा, मैंने गाय को मारा, कितना गुनाहूं। कहते, मस्तक के बालों को गिनना आसान है, पर मेरे पापों को गिनना आसान नहीं। अनेक पाप किए हैं सती रानी। जैसे ही अपने पाप का इजहार किया, हृदय के सारे पाप को निकाल दिया, तुरंत जैसल जडेजा की नौका किनारे लग गई, बच गया मृत्यु से, भविष्य में होने वाली यातना से। अतः अपने पाप को छिपाओ नहीं। चाय पीते हो, इजहार करो, चाय पीता हूं, लेकिन आज भागवत के सामने निर्णय लो कि आज के बाद नहीं पीऊंगा। इजहार करो। अहिल्या मार्ग में बैठी है और यहां राह देख रहे हैं कि कब भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। संसार के लोग मुझे ठोकर मारे, मुझ कोई प्रवाह नहीं, कोई दुख दे कोई बात नहीं। पूरी बात बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारी राह देख रही है, तुम जाओ और अपना दिव्य चरण कमल उस नारी के मस्तक पर रखो और उनका विधार करो। विश्वामित्र जी के कहने पर रामचंद्र आगे बढ़े हैं, और जैसे आगे बढ़े हैं, जैसे ही अपना कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाया, अपना चरण जब भगवान ने ऊपर किया, चरण की रज जैसे ही उस पत्थर के ऊपर स्पर्श हुई, भगवान के चरण की रज उस पत्थर के ऊपर स्पर्श होते ही परम प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और उस पत्थर से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और सुंदर रूप धारण किए हुए अहिल्या प्रकट। भगवान का चरण रज स्पर्श होते ही अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई। अहिल्या के शरीर से तेज निकल रहा है। आज भी कई लोग अपने शरीर का तेज बढ़ाना चाहते हैं, विशेष करके माताएं। आजकल माताएं अपने शरीर का तेज बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं, अनेकों घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठी रहती हैं सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ब्यूटी पार्लर की सुंदरता एक घंटे, दस घंटे, एक दिन, दो दिन के लिए, परंतु भगवान का चरण स्पर्श हो जाए तो ये सुंदरता एक दिन के लिए नहीं, दो दिन, दस दिन, एक साल के लिए नहीं, एक सुंदरता जन्म जन्मांतर के लिए हो जाती है। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोर रही। देखत सुखदायक सनमुख होई कर जोर रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरायति प्रेम धीरा पुलक शरीरा
मुख नाही आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलदार भई परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। अहिल्या दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी है। अहिल्या चाहती है कि मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन इतने वर्षों के बाद अहिल्या पत्थर से नारी बनी, अहिल्या का उद्धार हुआ, साक्षात भगवान को देख रही है। अहिल्या बोलना तो चाहती है लेकिन वाणी गदगद हो गई, गला भर आया। यह है प्रेम की प्रकाष्ठा। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने मांगा, आचार्यों ने मांगा कि हे प्रभु कब ऐसा दिन आएगा, कोबे, कि मैं जब गौरांग नाम लूंगा और मेरी वाणी गदगद हो जाएगी। गौरांग बोली थी होबे पुलक शरीरा अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही अतिशय बड़ कब ऐसा दिन आएगा हे प्रभु कबे। गोरंग बोलिते होबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नया बे नहीं नयन वही बे नीरा। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं गोरंग नाम बोलूंगा और मेरे आंखों से अश्रु की धारा बहने लगेगी। कब ऐसा दिन आएगा अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मनु कीना प्रभु कहु चिन्ना रघुपति कृपा भक्ति पाई अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या की वाणी गदगद हुई, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी गम्य जय रघुराई राजीव बिलोचन भव भय मोचन राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण आई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। देवी अहिल्या दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करने लगे। हे राजीव लोचन हे कमल नयन हे कमल लोचन हे कमल के सुंदर कमल के समान सुंदर कोमल और सुगंधित तनु वाले हे राम आज मैं धन्य हो गई, आज आपका दर्शन मिला, आपके चरण की रज मिली। और सच कहूं प्रभु ये जो जो कुछ भी हुआ ना इसके पीछे एक और मात्र कारण गौतम ऋषि की कृपा थी। उन्होंने उस ऋषि ने उस साधु ने मुझे यदि श्राप ना दिया होता तो आज मुझे आपकी प्राप्ति नहीं। कई बार कोई गुरु जब हम पर क्रोध करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार कोई गुरु किसी शिष्य को डांटते हैं तो शिष्य को अच्छा नहीं लगता। परंतु याद रहे शास्त्र का यह काट्य सिद्धांत है, जब कोई वरिष्ठ जब कोई गुरुजन अपने आश्रित को पर क्रोध करते हैं तो वह क्रोध नहीं वह उनका वरदान होता है। मुनि साप जो दीना अति बल कीना मुनि साप जो दीना अति बल कीना परमानुग्रह में माना देखो बरी लोचन बरी भज मोचन यही लाभ शंकर जाना देखो बरी लोचन
हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना अल्लाह कहती है मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया बहुत अच्छा किया गौतम ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया मुझ पर क्रोध किया बहुत अच्छा किया क्योंकि यदि उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो लाखों लाख वर्षों तक ध्यान करने भी हजारों यज्ञ करने भी होम हवन तपस्या करने पे भी मुझे आपकी प्राप्ति नहीं होती धन्य है उस ऋषि का श्राप जिस श्राप के कारण आज मुझे आपका दर्शन किया भगवान ने कहा अहिल्या मैं तुम पर प्रसन्न हूं जो चाहिए हो मांग लो अहिल्या ने बहुत सुंदर कहा प्रभु मैं तो जन्म से नारी जन्म से अपावन हूं मैं तो मूर्ख हूं मैं क्या जानू मुझे क्या मांगना चाहिए कितनी सुंदर बात है हम होते तो लंबे चौड़े लिस्ट देते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे हैं वो सुख संपत्ति भगवान केवल हमारे घर पे ही आए बाजू के घर पे नहीं जाए प्रभु मुझे मांगना भी नहीं आता और ये सत्य बात है हम लोग भगवान से कुछ मांगते हैं भगवान की कृपा से वो मिल भी जाता है तो क्या हमारी मांग पूरी होती है नहीं मांग और बढ़ जाती है इच्छाएं पूरी होने पर बार बार मांगे बढ़ती रहती है इसका अर्थ यही हुआ कि हम जो मांग रहे हैं वह पूर्ण नहीं है अरे मांगना तो उसे कहते हैं कि एक बार मांग लेने के बाद फिर जीवन में कभी मांगने की जरूरत ना पड़े हम तो मांगना भी नहीं जानते परंतु प्रभु मुझे मांगना नहीं आता लेकिन यदि आपको देना ही है पद कमल परागा रस अनुरागा पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जे बद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीष दई जे बद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीष दई हे प्रभु यदि आपको देना ही है तो आप वरदान दीजिए आप कृपा कीजिए कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी पराग रज में आसक्त रहे जैसे भौरा कहीं दूर से कमल के ऊपर आता है और कमल की पराग में आसक्त रहता है संध्या का समय होने वाला है भौरा जानता है कि कमल बंद होने वाला है वो भौरा जानता है कि मैं फंस जाऊंगा मैं मर जाऊंगा भौरा प्राण त्याग देता है लेकिन कमल की पराग को नहीं छोड़ता ठीक उसी प्रकार आपके चरण कमल रूपी में जो पराग रज लगी है आपके चरणों में जो रज लगी हुई है मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण रूपी पराग रज में आसक्त रहे ऐसा आशीर्वाद दीजिए आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जाए पद कमल परागा रस अनुरागा पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु करे पाना जे पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीष धरी प्रभु हमारा मन आपके कमल रज से छोड़ के और कहीं नहीं जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए ऐसा कृपा कीजिए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे
राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 श्री रामचंद्र भगवान के ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की श्री राम चरित्र मानस की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री प्रभुपाद की निताय गौर मानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की पृथ्वी को बचाने और देवताओं के सम्मान की रक्षा के लिए। तब द्वापर के अंतिम चरण में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया। देवकी और वसुदेव जानते थे कि आकाशवाणी के अनुसार उनका आठवां पुत्र कंस का काल होगा। भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन देते हुए कहा और बालक रूप धारण करते हुए कहा, मुझे शीघ्र ही नंद बाबा के यहाँ पहुँचाओ। अच्छा लगा तो थोड़ा सा खा भी लूंगा। हाँ,
बस चुप कर लो, मेरा लल्ला कब से रोई जा रहा है और तुम लोग को तनिक भी दया नहीं आ रही है। नंदरानी जी, तुम्हारा लल्ला नाटक कर रहा है, नाटक। पता है चोरी चोरी आपका लल्ला माखन खा रहा था, जब हमने इसे पकड़ लिया तो ये रोने लगा। भगवान, मैं आपके शरण में आ गया हूँ।